मैं हमेशा से आप सब के साथ हिंदी भाषा में संवाद करना चाहता था। इजरायली टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया दीवानी है। देश की सुरक्षा की बात आए तो इजरायल ने ऐसे हथियार बना लिए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर चाहे वो लेजर डिफेंस सिस्टम हो या फिर हाथ से दागी जाने वाली मिसाइल। लेकिन अब इन सभी के बीच इजरायल ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि वो कैसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इजरायल के विदेश विभाग ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आपके होश उड़ा देगा। इजरायल के विदेश मंत्रालय में डिजिटल डिप्लोमेसी के हेड डेविड सारंगा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हिंदी में एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि डेविड सारंगा को हिंदी बोलनी नहीं आती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने ऐसी हिंदी बोली जो आज आपको भी सुननी चाहिए। डेविड सारंगा ने कहा कि मैं हमेशा से हिंदी में बोलना चाहता था और अब मैं तकनीक की मदद से ये कर भी सकता हूँ। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो अब कई भाषाओं में अपनी बात बोल सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि डेविड सारंगा ने पहली बार हिंदी भाषा में क्या कहा। शालोम, मेरा नाम डेविड सारंगा है और मैं इजरायली विदेश मंत्रालय में डिजिटल डिप्लोमेसी डिवीजन का प्रमुख हूँ। मैं हमेशा से आप सबके साथ हिंदी भाषा में संवाद करना चाहता था। अब यह मेरे लिए इजरायली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की बदौलत संभव है जो मुझे किसी भी भाषा बोलने की अनुमति देती है। पिछले साल 2022 में हमने विभिन्न भाषाओं में अपलोड की गई सोशल मीडिया सामग्री को 2 अरब के करीब एक्सपोजर प्राप्त हुआ और दुनिया भर से सैकड़ों और हजारों फॉलोवर्स हमारे साथ जुड़े। आपके साथ बातचीत जारी रखने में हमें खुशी होगी।